हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये ट्रेन जानकारी है वो है अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन से लखनऊ चारबाग उत्तर प्रदेश के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 19401। अहमदाबाद जंक्शन गुजरात से ये ट्रेन जो है हर सोमवार को रवाना होती है लखनऊ चारबाग के लिए। और अगर इसके ट्रैवल टाइम के बारे में बात करें तो ये 26 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं, 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है अहमदाबाद से लखनऊ तक का। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके टिकट किराए के बारे में। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको इसका टिकट किराया बताऊँगा वो अहमदाबाद से लखनऊ तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर ले। इसमें सेकंड एसी का जो किराया वो है 2155 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज, जीएसटी चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई सुपर फास्ट चार्ज नहीं जड़ा जाता क्योंकि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। थर्ड एसी का जो किराया वो है 1475 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और जीएसटी चार्ज जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया वो है 545 रुपये, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर जोड़ा जाता है, इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 300 रुपए के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 19401 और ये अहमदाबाद जंक्शन से हर सोमवार को सुबह 11:35 पे 10 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और इसके तकरीबन जो है 27 स्टेशन हैं। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन महसाना जंक्शन में दोपहर के 1 बजे पहुंचती है और 1:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 68 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पालनपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:41 पे और 2:43 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आबू रोड स्टेशन में पहुँचती है शाम के 5:45 पे और 5:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिंडवारा स्टेशन में पहुँचती है। पिंडवारा स्टेशन में ये शाम के 4:38 पे पहुँचती है और 4:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और ये राजस्थान का स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फलना स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:18 पे और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। रानी स्टेशन में ट्रेन जो है शाम के 5:33 पे पहुंचती है और 5:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 300 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मारवाड़ जंक्शन में पहुँचती है शाम के 6:28 पे और 6:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ब्यावर स्टेशन में पहुँचती है शाम के 7:36 पे और 7:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। अजमेर जंक्शन में ये रात के 9:15 पे पहुँचती है और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो किशनगढ़ राजस्थान में रात के 9:51 पे पहुँचती है और 9:53 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। फुलेरा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10:32 पे पहुंचती है और 10:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। जयपुर जंक्शन में रात के 11:35 पे पहुंचती है और 11:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। जयपुर गांधीनगर में ये ट्रेन जो है रात के 11:52 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। बांदीकुई जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 1:18 पे पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो अपने राजस्थान के आखिरी स्टेशन भरतपुर जंक्शन में रात के 2:22 पे पहुंचती है और 2:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में ये अचनेरा जंक्शन में रात के 3:15 पे पहुंचती है और 3:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन में पहुँचती है सुबह 5 बजे और 5:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 875 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है
मथुरा कैंट में पहुंचती है। मथुरा कैंट में ये सुबह 5:19 पर पहुंचती है और 5:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 870 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाथरस जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:55 पर और 5:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। कासगंज जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:25 पर पहुंचती है और 7:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस जो है फरुखाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:28 पर और 9:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। कन्नौज स्टेशन में ये सुबह 10:40 पर पहुँचती है और 10:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। कानपुर अनवरगंज में ये दोपहर के 2:15 पर पहुँचती है और 2:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:35 पर पहुँचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उन्नाव जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:17 पर पहुंचती है और 1:19 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन लखनऊ चारबाग में पहुंचती है। अहमदाबाद लखनऊ एक्सप्रेस जो है लखनऊ चारबाग में दोपहर के 2:25 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो जर्नी है ये 1300 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। या अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखें।